आईपीएल में खेलने का सपना बड़े बड़े खिलाड़ियों का भी होता है। आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां खिलाड़ी रातों रात स्टार बन जाता है, लेकिन कई बड़े नाम ऐसे भी हैं जो अपने देश की टीम का अहम हिस्सा है फिर भी आईपीएल उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता है। आज हम आपको ऐसे 3 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आईपीएल में खेलने का तो मौका मिला, लेकिन इन्हें आईपीएल करियर में सिर्फ एक ही मैच खेलने का नसीब हुआ है। आइए जानते हैं कि वो कौन से 3 बल्लेबाज हैं जिन्होंने आईपीएल का सिर्फ एक ही मैच खेले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नंबर 1 पे आते हैं श्रीलंकाई टीम के अकिला धनंजय। अकिला धनंजय सबसे बेहतरीन स्पिनर्स में से एक माने जाते हैं। अकिला धनंजय इस लिस्ट में शामिल जिन्हें आईपीएल में सिर्फ एक बार प्लेइंग 11 में जगह मिली। श्रीलंका के इस ऑफ स्पिनर ने 2018 में डेब्यू किया था। अकिला धनंजय को 2018 में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे। धनंजय ने सीजन दिल्ली के खिलाफ मुकाबला खेला। इस मैच में धनंजय ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन एक भी हाथ सफलता नहीं लगी। इस मैच के बाद धनंजय को आईपीएल में खेलने का मौका कभी नहीं मिला। दूसरे नंबर पर आते हैं मरसपे मुर्तजा। मरसपे मुर्तजा बांग्लादेश क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। मुर्तजा लंबे समय तक बांग्लादेश टीम के कप्तान भी रहे, लेकिन मरसपे मुर्तजा आईपीएल में सिर्फ एक ही मैच खेल सके हैं। मरसपे मुर्तजा को साल 2009 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था और उन्हें डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ खेलने का मौका मिला था। साल 2009 का आईपीएल साउथ अफ्रीका में खेला गया था। ये मैच मरसपे मुर्तजा के लिए काफ़ी खराब रहा था। इस मैच में मुर्तजा ने अपने 4 ओवर में 58 रन खर्च किए थे। ये मैच मुर्तजा के लिए आईपीएल का पहला और आखिरी मैच साबित हुआ। इस लिस्ट में 3 नंबर पर आता है पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक यूनिस खान। आईपीएल का हिस्सा रह चुके हैं। साल 2008 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए इस सीजन में पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें एक यूनिस खान भी शामिल थे। यूनिस को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था और किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ एक मुकाबले में टीम में प्लेइंग 11 में जगह मिली थी। इस मैच में यूनिस खान ने 7 गेंदों में 3 रनों की पारी खेली थी। ये मैच यूनिस खान के लिए आईपीएल का पहला और आखिरी मैच था। इसके बाद उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल भी नहीं किया गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जानकारी आप लोगों को पहले से मालूम थी या नहीं थी, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो 4 लोगों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। और जाने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।